गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका मेरी कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। आगे हम भी कंटिन्यू करते हैं, सबची डायरी बुक पढ़ रहे थे। सबची डायरी बुक में हमने परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स बुक के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था, उसके फॉर्मेट को हमने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम पढ़ रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक की। सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड किस प्रकार से किया जाएगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बता दिया था कि जो रिटर्न बुक होती है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक होती है, वो आपकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, एक होती है क्रेडिट नोट और एक होती है डेबिट नोट। ध्यान देना, आपको हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि जो रिटर्न से संबंधित या रिटर्न से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट से ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्रेडिट नोट को यहाँ पे बोला जाएगा जमा पत्र और डेबिट नोट को बोला जाएगा यहाँ पे नाम पत्र। ध्यान देना, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में जो ट्रांजेक्शन रिटर्न करने के जो रीजंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको लिखा जाता है, और जिन रीजन से रिटर्न हुआ है उनके बारे में यहाँ रिकॉर्ड होता है। इन्हें रिकॉर्डेड आइटम को ही रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे जो क्रेडिट नोट होता है, यहाँ पे परचेजर टू सेलर, परचेजर किसको करता है, सेलर को, बाय सेलर, परचेजर टू सेलर यानी परचेजर को, कहने का मतलब यहाँ पे परचेजर को सेंड किया जाएगा और किसके द्वारा सेंड किया जाएगा, सेलर के द्वारा सेंड किया जाएगा। और जो डेबिट नोट होता है, सेलर किसको सेंड करेगा, यहाँ पे परचेजर को सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये सिस्टम हो जाएगा। क्रेडिट नोट में तो परचेजर होता है, जो कस्टमर होता है वो सेलर को क्रेडिट नोट जो रिटर्न करके देगा ना, उसको क्रेडिट नोट भेजा जाता है जिसमें रीजन होते हैं। ऐसे ही जो कस्टमर होता है वो जब सेलर को कुछ रिटर्न देता है कि इस रिटर्न से हमारे पास आपका गुड्स अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं है, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, उन रीजन को राइट करके देगा, वो कौन सा नोट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट नोट हो जाएगा। अब आपको इसको रिटर्न में ट्रांजेक्शन करना है तो हमारे पास, ध्यान देना, आप अब हम कर रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेल्स रिटर्न बुक का क्वेश्चन को पहले हम टैली करते हैं, फिर इसके फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान देना, ये कह रहा है प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ अमरनाथ एंड सन्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे किसका नाम आ रहा है, अमरनाथ का आ रहा है नाम, तो हम ये सेल्स बुक राइट कर लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे हम राइट करेंगे सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स ऑफ किसकी, हमारे पास अमरनाथ, अमरनाथ एंड सन्स की हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको फिर बता देता हूँ मैं, जो अमरनाथ की सेल्स ऑफ रिटर्न बुक है, जो सेल्स रिटर्न बुक है, जो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट था वो ही किसका फॉर्मेट है, सेल्स रिटर्न बुक का यहाँ पे फॉर्मेट है। तो देखना आप यहाँ पे फॉर्मेट कैसे मेंटेन किया जाएगा, फॉर्मेट कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। पहली आएगी आपकी यहाँ पे डेट का कॉलम आ जाएगा, डेट का कॉलम आने के बाद में यहाँ आपका जो सेकेंड कॉलम आएगा वो आएगा पार्टिकुलर का, पार्टिकुलर्स का कॉलम आएगा जिसमें सारे विवरण आपके पार्टिकुलर्स में राइट करने पड़ेंगे। फिर आपके पास आएगा हमारे पास क्रेडिट और डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट या डेबिट नोट नंबर, क्रेडिट और डेबिट नोट नंबर के बाद में हमारे पास आएगा एल एफ लेदर फोलियो, फिर हमारे पास आएगा डिटेल एंड टोटल, डिटेल्स एंड टोटल। इस प्रकार ये हमारा परचेज रिटर्न का फॉर्मेट यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। ध्यान देना, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का फॉर्मेट एज इट है, सेम है, तो हम इसे परचेज रिटर्न का फॉर्मेट भी कह सकते हैं और सेल्स रिटर्न का फॉर्मेट भी कह सकते हैं। इस प्रकार सेल्स बुक का और परचेज बुक का फॉर्मेट सेम था, उसी प्रकार सेल्स रिटर्न बुक का और परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट भी क्या है, यहाँ पे सेम है।
अब हम जो हमारे रिकॉर्ड है क्वेश्चन को हम आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर दोबारा पढ़ के इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान देना, 2016 में बता रहा है गुड रिटर्न बाय मुरारी एंड सन्स, किसको रिटर्न किया जा रहा है, मुरारी एंड सन्स के द्वारा रिटर्न किया जा रहा है, किसको किया जाएगा, अमरनाथ एंड सन्स, यानी अपन अपने आप में कौन है यहाँ पे प्रिपेयर किसकी बुक कर रहे हैं, अमरनाथ की, तो अपने आप को एज्यूम करना पड़ेगा कि हम अमरनाथ है और अमरनाथ है तो गुड रिटर्न बाई मुरारी के द्वारा रिटर्न किया गया है, क्योंकि हमने मुरारी को क्या किया था, सेल्स किया था और मुरारी हमें रिटर्न कर रहा है, हमें यानी अमरनाथ को रिटर्न कर रहा है, तो कौन सी रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न होगी। तो यहाँ पे हमें ईयर डेट में लगाना पड़ेगा, हमें 2016 और ना किसको रिटर्न किया जा रहा है, मुरारी एंड सन्स, मुरारी एंड सन्स का नाम यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि रिटर्न किस पर्सन को किया, किस फर्म को किया या किस बिजनेसमैन को किया उसका नाम यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट किया जाएगा। अब क्या क्या हमने उसको रिटर्न किया वो देखो, 7 जुलाई को हमने रिटर्न किया, क्या किया, 20 कूलर, 20 कूलर है एट द रेट 2000 ईच, एक कूलर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2000 है, तो 2000 के हिसाब से 20 कूलर की यहाँ पे वैल्यू निकाल दी जाएगी और ऐसा कहते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा जनवरी 7, ये आ रहा है गुड रिटर्न, ठीक है, ये आ गया हमारे पास गुड्स रिटर्न 20 कूलर, आप रिटर्न लगाओ तो ठीक है, नहीं है यही लग रहा है क्या, कौन सी बुक है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, कोई रिटर्न लगाना यहाँ कंपलसरी नहीं है क्योंकि हमारी बुक कौन सी है, सेल्स रिटर्न है, तो 20 कूलर एट द रेट कितना यहाँ पे 2000 ईच आ रहा है यहाँ पे, एक कूलर की वैल्यू है यहाँ पे 2000 2000, तो 20 कूलर 20 कूलर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40,000। आगे चलते हैं, अब इसी पे क्या दे रखा है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, जो हमारे पास कूलर्स की वैल्यू आई थी 40,000 उसी पे हमारे पास डिस्काउंट चार्ज कर रखा है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एट कितना 10%, हमने कितने का हमारे पास रिटर्न हुआ है उसका 10%, क्यों, क्योंकि हमने सेल भी किस पे किया था, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट काट के गुड्स को रिटर्न किया जाएगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट 10%, 40,000 का 10% निकल जाएगा हमारे पास 4,000 और इसका टोटल रिटर्न वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 36,000। आगे बढ़ते हैं, इसका क्रेडिट नोट नंबर आ रहा हमारे पास 14, तो क्रेडिट नोट नंबर हम यहाँ डाल देते हैं 14, ठीक है भाई, समझ में आया, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान देना, 7 जुलाई को 7 जुलाई को 20 कूलर एज द रेट 2000 ईच, यानी 20 कूलर रिटर्न हो रहे हैं, एक कूलर की वैल्यू है 2000, इस प्रकार से हमने गुड्स रिटर्न लिख दिया, पहले कहा था कंपलसरी नहीं है लिखना, लेकिन लिख दिया, समझ में आ जाए एक बार आपको कि गुड्स रिटर्न हो रहा है, 20 कूलर हो रहे हैं, एज की वैल्यू कितनी है 2000, 20 को 2000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा हमारे पास 40,000 आ जाएगा, और इस पे क्या चार्ज किया है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ध्यान देना, एक होती है कैश डिस्काउंट, एक होती है ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट ट्रांजेक्शनों पे दी जाती है, कहने का मतलब उधार लेन देनों पे दी जाती है, तो 40,000 का 10% आ गया हमारे पास 4,000, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 36,000। अब चलते हैं हम अगली डेट में, 7 जनवरी 18, तो यहाँ लगाते हैं जनवरी, कौन सी लगा दी हमने, 18 जनवरी लगा देते हैं, कि ये ट्रांजेक्शन तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ट्रांजेक्शन इसके लाइन किस दी नरेशन के हिसाब से। अब यहाँ है जनवरी 18 को बनवारी ब्रदर्स को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं डिफेक्टिव गुड्स, गुड्स क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्ट हो गया, खराब हो गया, अच्छा नहीं था, वैल्यू कितनी थी 5,000, उसकी थी क्रेडिट नोट नंबर कितना था 15 था, तो ध्यान देना वापस 18 जनवरी को बनवारी ब्रदर्स को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो जो फर्म है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा बनवारी एंड सन्स,
क्रम का नाम आ गया। रिटर्न गुड्स लिखने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है कि पता चल गया बनवारी सच को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सेल से रिटर्न किया जा रहा है। तो उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5000 और इनवॉइस वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 15 आ रही है। इनवॉइस वैल्यू आ गई हमारे पास, इनवॉइस वैल्यू क्या क्रेडिट और डेबिट नोट वैल्यू कितनी आ रही है 15 और इसकी जो एक्चुअल में प्राइस कितनी थी 5000 ये आ गए 5000। ध्यान देना इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट है क्या, बनवारी ब्रदर्स रिटर्न गुड्स डिफेक्टिव गुड्स वैल्यू रेट 5000 क्रेडिट नोट 15 इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। तो पूरा का पूरा डिटेल में 5000 आ जाएगा और यही टोटल में आ जाएगा यहाँ पे 5000। अब चलते हैं हम आगे, आगे हमारे पास है जनवरी 27 तो यहाँ लगाएंगे हम, ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है तो ये लाइन यहाँ खींच दी जाएगी। अब लगा दिया हमने जनवरी 27, ध्यान देना अलाउंस अलाउड हमने अलाउंस किया, क्या अलाउंस किया अलाउड क्या किया हमने अलाउंस यानी भत्ता दिया टू कैलाश एंड संस, किसको दिया था कैलाश एंड संस को दिया था ऑन अकाउंट हिज मिस्टेक, लेकिन मिस्टेक हो गई द इनवॉइस कितनी वैल्यू पे हो गई मिस्टेक 350 रुपए पे हमने उसको एक्स्ट्रा कर दिया था, तो वहां पे क्या हो जाएगा रिटर्न होगा उसका नाम आएगा, किसका आएगा यहाँ पे नाम किसको दे कैलाश एंड संस, तो कैलाश एंड संस यहाँ पे नाम आ गया ठीक है। और कितने रुपए की है यहाँ पे बात, यहाँ पे अमाउंट की बात हो रही है 350 और आपकी जो नोट नंबर है यहाँ पे वो तो कितना दे रखा है 16 तो क्रेडिट नोट नंबर 16 लगा दिया और ये डिटेल में लिख दिया 350 और यही टोटल में आ जाएगा आपका 350 और ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है कंप्लीट, तो यहाँ पे इसके क्या अंडरलाइन कर दी जाएगी नरेशन के हिसाब से। अब किया जाएगा इसके बाद में हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं बच रहा है तो अब इसका क्या कर दिया जाएगा अमाउंट का कर दिया जाएगा टोटल कर दिया जाएगा। ध्यान रखना मैंने पहले बताया था आपको जो मंथ चल रहे हैं जो ये महीने चल रहे हैं डेट में इस मंथ की लास्ट डेट को ये बुक क्या हो जाती है यहाँ पे क्लोज हो जाती है। तो जनवरी 27 तक तो हमने ट्रांजेक्शन कर दिए, उसके बाद में हमारे पास यहाँ कोई ट्रांजेक्शन बैलेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे 31 जनवरी को इसका टोटल कर दिया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जनवरी 31 और कौन सी बुक बना रहे हैं सेल्स रिटर्न बुक, यहाँ पे ध्यान देना आप सेल्स बुक होती है ना वो कौन सा बैलेंस होता है सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न बुक का कौन सा बैलेंस होता है यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है। तो सेल्स बुक का जब टोटल करके सेल्स रिटर्न बुक को क्या कर दिया जाएगा यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा टोटल अमाउंट, तो यहाँ लिखा जाएगा सेल्स रिटर्न बुक अकाउंट डेबिट ठीक है। और ये जो टोटल आएगा इसका उसको हम रिकॉर्ड कर दिया जाएगा यहाँ पे आ गया 41,350 का यहाँ टोटल आ गया और इस बुक को सेल्स रिटर्न बुक को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाएगा पूरे लाइन की दी जाएगी टोटल अमाउंट से लेके डेट तक और डेट से लेके टोटल अमाउंट तक। इस लाइन का मतलब हो गया कि ये जो ट्रांजेक्शन है मंथली यहाँ पे इस महीने के ट्रांजेक्शन क्या हो गए यहाँ पे कम्प्लीट हो गए और ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कम्प्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो सेल्स रिटर्न का बुक का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम तो आगे का जो टॉपिक चलेगा हम उसमें आपको जो जनरल एंट्रीज करवाई थी उससे रिलेटेड और जो सब्सिडायरी बुक है इससे रिलेटेड पोस्टिंग करना सिखाएंगे, तो हमारा अगला जो टॉपिक चलेगा वो पोस्टिंग का चलेगा। तब तक के लिए आप जो सब्सिडायरी बुक है उसको अच्छी तरीके से वापस देखें समझने की कोशिश करें और जो हमने इससे पहले जो जनरल एंट्रीज करवाई थी वो कोशिश करें समझें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ अकाउंट्स का ये आपका बेसिक चल रहा है, अगर इस बेसिक्स को आपने क्लियर नहीं किया ध्यान देना ये एक सब्जेक्ट का बेसिक है नींव है, यानी अगर आपका नींव मजबूत हो गया आपके पांव मजबूत हैं तो आप आसानी से चल सकोगे। वैसे ही अगर आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अकाउंट्स आप अंगुलियों पे सोल कर सकते हो दैट्स ओके। आप इस टॉपिक को पढ़ो समझो कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।